दोस्तों आए दिन हमारा यार नुकसान हो रहा, पता नहीं क्या वजह नज़र लग गई हमारे सेटअप को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आपने देखा होगा कि ईद के बाद हमारे कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहे। दोस्तों रोज़ ही कोई ना कोई पेट हमारा ज़ाया हुआ होता है। कल हमारा एक चूजा था, उसकी भी गर्दन लाग हुई पड़ी थी, आज है उसकी भी गर्दन लाग हुई पड़ी है, ये देख सकते हैं। और दोस्तों इस बारी जो काम किया ना हमारा भाई, ये बिल्ली का काम नहीं हो सकता, ये मुझे लग रहा है जैसे न्योल का काम होता है भाई। वो इधर से अंदर गया होगा और वहाँ से जाकर उसने भाई उसकी गर्दन ही नोच डाली थी। मैंने आपको दिखाया था, ये देखें इधर भी खून लगा हुआ है और इसके भी भाई अंडे जाकर ना उसने पी लिए थे। ये देखें इधर से कितना सुराख है, इधर से गया होगा क्योंकि वैसे तो लॉक होता है, अंदर तो वैसे जा नहीं था सकता, उधर अंडे पड़े हुए थे। दोस्तों बहुत ही नुकसान हुआ है हमारा भाई, ये सेटअप जो है ना बिल्कुल ही बेकार है, ये हम बिल्कुल ही इसको ना ख़त्म कर देंगे, फिर इधर नए वाला अच्छे वाला सेटअप बनाएंगे, पूरा प्रॉपर बनाएंगे, साफ़ सुथरा। ये वाला जो है ना हम इसे ख़त्म करने वाले हैं। और ये देखें माशाल्लाह हमारे रैबिट कितने बेताब हो रहे हैं, इनको भी दोस्तों निकालते हैं। लैला, मजनू, डायमंड और ये रहा हमारा डायनासोर, ये रहा हमारा प्यारा डायनासोर। दोस्त कोई ये चुटकी पर लगा हुआ है, ये चेक करें। अभी इसको प्रॉपर जो जगह नहीं मिल रही, नहीं तो ये चुटकी पर भाई लगा हुआ है। और ये देखें दोस्तों, मैंने इनको भाई किंग को और उसके बच्चों को इधर बंद कर दिया था, और उंगली गैंग का जो एक बच्चा हुआ ना उसको भाई मैंने इधर बंद किया है। इसको भी दोस्तों पीछे से काटा हुआ है, इसको भी ज़ख्म थोड़ा सा हुआ था, लेकिन शुक्र है भाई ये हमारा बच गया है। और ये रही हमारी उंगली गैंग, माशाल्लाह बिल्कुल फिट फाट है और अपना सैर सपाटा कर रही है भाई। और किंग को भी दोस्तों निकाल देते हैं, बाहर आ जाए ज़रा ना घूम फिर ले, फिर इसको हम अंदर बंद कर देंगे भाई। अब मैं बाहर नहीं इनको छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने उधर बंद किए ना तो फिर ये भी नहीं बचेंगे। वो न्योल जो है उसको चस्का पड़ गया, जिसे ना खून का चस्का पड़ जाए ना फिर वो जगह नहीं छोड़ता, उसने आना ही आना है। लेकिन हम देखेंगे अगर वो पकड़ा गया भाई, उसे पकड़ेंगे इधर से दूर छोड़ के आएंगे तो भाई हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और माशाल्लाह ये रहे हमारे बजीज, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये वाइट है ना जो, ये भाई मेरा फेवरेट है, इस तरह के मैं और भी लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। और वो रहे हमारे बटेरनी और बटेर। और दोस्तों इनका नाम मैं क्या रखूँ आपने मुझे बताना है, जो आप कहेंगे उनका नाम मैं वो ही रखूँगा। माशाल्लाह कितने क्यूट लग रहे हैं, वो देखें मेल के मुँह के ऊपर कैसा सुरख हुआ हुआ है मुँह उसका, और फीमेल की ये देखें इसका मुँह सुरख नहीं होता। और दोस्तों ये चेक करें, छोटू गैंग सारे बाहर आ गए हैं और ये वाला अकेला ही रह गया उंगली गैंग का, उसे पता ही नहीं चल रहा किधर से बाहर आना है। आजो आजो आजो, अब उसे पता चला है। दोस्तों इनकी बहुत ज़्यादा यारी थी, लेकिन भाई उसके साथ वाला जो है ना अब वो नहीं रहा, ये देखें अब मेरे पास आ रहा है, अब मेरे साथ आ रहा है भाई। ओह 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 ओह, ये लो खाओ। दोस्तों हम अपने प्यारे रैबिट को कैसे भूल सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे हुए हैं यार। इस चेक करें इनकी मासूमियत, चेक करें कितने क्यूट हैं, ये देखना मैं, और ये देखना दोस्तों कैसे खाना एक दूसरे को ना, खाते कैसे हैं ये, वैसे इनके आगे पड़ा रहे वैसे नहीं खाएंगे, ऐसे कैसे शौक के साथ खा रहे हैं वो देखें। कम इन रैबिट, कम इन कम इन कम इन, आजो यार आजो आजो। नहीं मैं आपको नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ता भाई नहीं पकड़ता, क्या हो गया है ये देखें माशाल्लाह। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये देखें। जिस भाई को भी चाहिए भाई ये वाला, तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं उसे ये गिफ्ट दूंगा इंशाल्लाह। चेक करें खूबसूरती, चेक करें यार कितने माशाल्लाह खूबसूरत हैं, चेक करें मासूमियत, चेक करें और ख़ूबसूरती चेक करें। बहुत ही ज़्यादा मासूम हो जाते हैं जब मैं पकड़ता हूँ, और बाद में ये बहुत ज़्यादा बदमाश भी होते हैं भाई। जब मैं इनको अंदर ले जाने की कोशिश करता हूँ ना, ये फिर ये बाहर की तरफ भागते हैं। ये काम जितना देखने में आपको आसान लगता है ना भाई, ये मुश्किल भी है काम थोड़ा सा, आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन घर में यार रखना ना, जिसको शौक है तो वो ज़रूर रखे। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पेट होते हैं, और ना ये किसी को डिस्टर्ब करते हैं, अपने काम में मगन रहते हैं बस। पर ये रहा हमारा शेर,
ये दोस्तों हमारा शेर है, सबसे बड़ा जो है ना ये हमारा शेर है। और दोस्तों आप सब ने दुआ करनी है कि भाई हमारे पेट जो है ना वो तंदुरुस्त रहें और बचे रहें, क्योंकि आए दिन हमारा कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, पता नहीं क्या वजह है भाई जान। मुझे तो ना बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई पेट बीमार हुआ आता है या कोई ना भाई बुरी खबर मिलती है। हमारे 2-3 दिन हो गए हैं कोई अच्छी खबर हमारे सेटअप पर नहीं मिली, लेकिन इंशाल्लाह दोस्तों आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा जो कि आपके लिए भी अच्छी होगी और उन पेट के लिए भी अच्छी होगी। भाई रैबिट पर आकर ना मासूमियत भाई ख़त्म हो जाती है, चेक करें किस तरह मासूम भाई बंद करना तरतीब के साथ खा रहे हैं, ये होता है डिसिप्लिन। और ये देखें लैला मजनू भाई अपना पानी गंदा करने में मगन है, उनको और कोई काम नहीं है। दाना उठाएगी पानी के अंदर फेंकेगी या मिट्टी उठाएगी और उसके अंदर फेंक कर फिर पानी पीते हैं ये। दोस्तों हमारा डायमंड जो है ना वो उनके साथ दोस्ती करने चाह रहा है, लेकिन भाई किंग जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करता, किंग पास नहीं आने देता। लेकिन आज देखें दोस्तों किंग कुछ भी नहीं कह रहा, वाह क्या बात है दोस्तों, किंग कुछ भी नहीं कह रहा, ना ही वो उसकी फ़ीमेल कुछ कह रही है और ना ही मेल कुछ कह रहा है। और वो देखें ये जो बच्चे हैं ना किंग उनके पास जाता है ज़्यादातर, वो वाले के साथ ज़्यादा ही आ रही है उसकी किंग की। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 रैबिट इधर हैं दाना खाने में मसरूफ, बाकी किधर गए हैं? और बाकी दोस्तों हमारे ये चेक करें, ये चेक करें ये किस तरह ये चारा खा रहे हैं, ये चेक करें किस तरह भाई चारा खा रहा है, ये चेक करें ये कैंगरो बना हुआ है, कैंगरो। और दोस्तों आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि आपको कौन सा पेट इनमें सब में से अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर नहीं भी लगता तो फिर भी आपने कमेंट में बताना कि भाई आपके सब पेट बेकार हैं। और दोस्तों वो चेक करें किंग जो है ना वो अपने पुराने घर के आगे भाई सब खड़े हो गए हैं, लेकिन भाई वो इनके लिए सेव नहीं है, नहीं तो मैं उधर इनको लाजमी रखता। अब उनको रिपेयर होगा ना फिर हम इधर रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे। वो लैला के काम यार चेक करें, ये काम चेक करें लैला के, इससे पता नहीं क्या दौड़ा पड़ता है, कभी ये छोटू गैंग के पीछे पड़ जाती है, कभी इनके पीछे, अंडे इसके गंदे हुए हैं, गुस्सा ये इन पर निकालती रहती है, पता नहीं क्या वजह है इनको। ये मजनू चेक करें, ये गरीब बच्चा है, ये कुछ नहीं कहता किसी को भी। अब जब से ये आया ना इसके साथ भाई पक्की यारी हो गई है इसकी, अब ये किसी को पेट को ना नुकसान नहीं पहुँचाता। पहले तो भाई मजनू भी बदमाश था, ब्रैबर को नहीं था पास आने देता। और पानी चेक करें कैसा, फिर गंदा किया कि नहीं, 1 मिनट के अंदर अंदर ये गंदे कर देते हैं पानी भाई। ये रहा दोस्तों आज का छोटा सा व्लॉग, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया।